बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी NLJP ने BJP को आंख दिखाते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। NLJP ने कहा कि यदि विधानसभा चुनाव में NLJP को उचित सम्मान नहीं मिला तो उनकी पार्टी बिहार राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने एक सीट की मांग की है। आप भी सुनिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा है। हमारे स्टेट के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम आदि के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई है और प्रत्येक जिला से जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। तकरीबन 25 से 26 जिला अध्यक्ष हमारे आज की बैठक में मौजूद हुए हैं, जबकि पूरे बिहार में बाढ़ का प्रकोप है और खास करके नॉर्थ बिहार में काफ़ी बाढ़ का पानी आया है। इससे कुछ कम लोग आए हैं, फिर भी 26 जिला अध्यक्ष आज की बैठक में आए। दलित सेना का मुख्य उद्देश्य है, देखिए दलित सेना एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं, एक सामाजिक संगठन है। और स्वर्गीय पासवान जी के द्वारा 1983 में इस दलित सेना का गठन किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य है कि दलितों पर जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा दलित सेना की टीम वहाँ जाएगी और जा करके उस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। वहाँ का जो कलेक्टर है, वहाँ का जो SP है, उससे हमारी कमेटी के लोग जाते हैं। और अभी जो लोग घटनाएं घटी है, खास के बिहार में आप देखते होइएगा कि रोहतास में घटना घटी, बक्सर में घटना घटी, या पूर्णिया में घटना घटी, सिवान में घटना घटी, इवन हमारे हाजीपुर में घटना घटी, तो सभी जगह हमारा टीम मुजफ्फरपुर में घटना घटी और नवादा में जश्न प्रकट हुआ है, सभी जगह हमारी पार्टी खास करके दलित सेना का टीम जाके हम लोगों ने स्थल निरीक्षण किया, कमेटी का गठन किया और बिहार सरकार से मांग किया कि उचित मुआवजा दो और जिस परिवार की घटना घटी है उस परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी दिया जाए। तो दलित सेना का संगठन हमारे पार्टी का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना का जो संगठन है, हमारा लीड है, हमारी पार्टी का दलित सेना लीड है और दलित सेना हमारे पूरे देश में इसका संगठन है। खास के आप देखिएगा तो साउथ इंडिया में जाइएगा तो दलित सेना का संगठन और अधिक मजबूत है। जहाँ कहीं भी पूरे देश में दलितों पर अत्याचार होगा उसका हम लोग घटनास्थल पर जा करके और उसका निराकरण करते हैं, यही हमारे दलित सेना का मेन उद्देश्य। देखिए 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें NDA गठबंधन के द्वारा हमारे दल में जो हम लोग 5 सांसद थे, हम लोग के साथ न्याय नहीं हुआ, हम उसको कह सकते हैं कि अन्याय हुआ। फिर भी राष्ट्र हित में, देश हित में मैं व्यक्तिगत हित को माइनस किया, पार्टी हित को माइनस करके देश की पुकार थी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बने और हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि हम राष्ट्र हित को देखते हुए देश पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA के चुनाव हो रहा, हम उसका समर्थन करेंगे और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक समर्थन दिया। अब 2025 का विधानसभा का चुनाव है, 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी तैयारी आज 3 महीना पहले से 243 सीट पर हमारी तैयारी है। यदि NDA के बंधन के लोग सम्मानजनक समझौता हमारी की पार्टी के साथ करेंगे तो मैं NDA गठबंधन के साथ में रहूंगा और पूरे 243 सीट पर हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी NDA गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। यदि हमारे साथ समझौता नहीं हुआ, यदि हमारे साथ समझौता नहीं हुआ, सम्मानजनक सीट नहीं मिला, तो हमारी पार्टी की राय है, सर्वसम्मति से राय है, चुनाव के 6 महीना पहले हम लोग एक बैठक बुलाएंगे निष्पक्ष कमेटी की बैठक, उसमें जो आम राय मिलेगी उसके आधार पर हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं। हमारा गठबंधन बिहार से है, बिहार में है, फिर भी मैंने झारखंड के लिए वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहब को मैं पत्र लिखा हूँ। हमारा वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राजी है, काफ़ी क्रांतिकारी लड़का है, बहुत काफ़ी जुझारू लड़का है। स्टेट के सभी लोग चाहते हैं कि राजकुमार राज को सीट मिले गिरिडीह से, हमने पत्र लिखा, मैं टेलीफोन से भी कहा हूँ, यदि वो सीट मिल, मुझको उम्मीद है कि वो सीट हमको मिल जाएगा तो हम NDA गठबंधन के साथ रह के चुनाव लड़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा दल है भाजपा और हम लोग स्टेट के पार्टी हैं। जब हम लोग आपस में बैठेंगे तो हमारा कहना
करना यह है कि जिसको जहां जो सीट बनता है, जो अधिकार बनता है, जो जिताऊ उम्मीदवार है, आप उसको टिकट दो। संख्या नहीं है, संख्या एक अलग है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए, मौलिक अधिकार है। 5 वर्ष में एक मौका आता है लोगों को वोट देने का। जिस पार्टी को जितना जनाधार है, जिस पार्टी का जो संगठन है, जिस पार्टी के पास में जिताऊ उम्मीदवार है, आप वो सीट दे करके जिताइए। बहरहाल पशुपति पारस ने झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया है कि यदि उनकी पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिलता है तो 243 पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी पशुपति पारस की धमकी पर क्या उनके सामने झुक जाती है या फिर बिना सांसद और बिना विधायक वाली पार्टी को दरकिनार कर देती है। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।